9 अगस्त की शाम ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला द सिल्वा नौसेना के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अचानक कार्यक्रम में मौजूद लोगों को 2 मिनट का मौन रखने का उनसे अनुरोध किया। वजह एक प्लेन क्रैश जो कुछ ही मिनट पहले हुआ था। हादसे में प्लेन में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। इसके कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके कुछ देर बाद राष्ट्रपति ने देश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी। लेकिन ये विमान हादसा आखिर हुआ कैसे, आइए आपको शुरुआत से बताते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अगस्त को ब्राज़ील की वुपास कंपनी की फ्लाइट संख्या 2283 ने ब्राज़ील के पराना राज्य के कैस्कावेल से उड़ान भरी। इस फ्लाइट को साओ पाओलो में लैंड करना था। लोकल टाइम के मुताबिक 1:22 पर प्लेन से आखिरी बार डेटा ट्रांसमिशन प्राप्त हुआ था। डेटा के मुताबिक 1:21 तक प्लेन 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होने से करीब 1.5 मिनट पहले प्लेन की ऊंचाई कम होने लगी और 10 सेकंड के अंदर ही प्लेन 250 फीट नीचे आ गया। हालांकि इसके अगले 8 सेकंड बाद प्लेन 400 फीट ऊपर उठा, लेकिन फिर अगले ही 8 सेकंड के अंदर प्लेन 2000 फीट नीचे भी आ गया। इसके बाद अगले 1 मिनट के अंदर ही प्लेन साओ पाओलो के विनहेडो शहर में 17,000 फीट की ऊंचाई से ज़मीन पर आ गिरा। ज़मीन पर गिरते ही भयंकर धमाका हुआ और प्लेन आग की लपटों से घिर गया। करीब 1:30 पर कंट्रोल सेंटर का प्लेन से संपर्क टूट गया। इस हादसे में प्लेन में सवार 61 लोगों की मौत हो गई। कंपनी की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया कि कंपनी को अत्यंत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि फ्लाइट संख्या 2283 में सवार 61 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। कंपनी के मुताबिक प्लेन में 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। प्लेन में सवार सभी यात्रियों के पास ब्राज़ील के ही दस्तावेज थे, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि प्लेन में सवार सभी यात्री ब्राज़ील के ही नागरिक थे। हालांकि अभी किसी के दोहरी नागरिकता यानी ड्यूल सिटीजनशिप होने की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंपनी के CEO एडुआर्डो बुश ने प्लेन में मौजूद क्रू के बारे में बात करते हुए कहा कि प्लेन का पूरा क्रू पूरा सक्षम था। हम पायलट और कंट्रोल टावर के बीच रिकॉर्ड हुई बातचीत सामने आने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे हमें हादसे की वजह बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्लेन में 2 ब्लैक बॉक्स हैं। इन ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट का सारा डेटा रिकॉर्ड होता है। इसमें मौजूद डेटा की जाँच के लिए हमारे पास बेहतरीन लेबॉरेटरी है। वहीं दूसरी तरफ डेटा रिकॉर्डर में मौजूद डेटा को भी दोबारा प्राप्त किया जाएगा, लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि हादसे के दौरान रिकॉर्डर खराब हो गया हो। साओ पाओलो के सिक्योरिटी सेक्रेटरी गुइलहर्म डेराइट ने मृतकों के बारे में बात करते हुए कहा कि घटनास्थल पर एक मेडिकल टीम लगातार हादसे में मारे गए लोगों की पहचान कर रही है। बुरी तरह झुलस जाने की वजह से मृतकों की पहचान कर पाना मुश्किल है। इधर अधिकारियों ने बताया कि मृतकों के शवों को पहचान के लिए लीगल मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाया गया है, जहां उनकी पहचान के लिए रेडियोलॉजिकल, मेडिकल और डेंटल जाँच की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूँ पहुँचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन मिश्रा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।